साल पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी 26 जुलाई का दिन बना रहे हैं। आज खराज कई दस पेश करते हैं जिन्होंने वहां अपने जाने देश के लिए। उसके बाद यहाँ पर जो शेख हैं हमारे यहाँ पे मौजूद हैं और के जितने भी हमारे कर्मचारी यहाँ पे आए हैं, मगर हमारी सेना ने हमारी युवा आर्मड फोर्सेस जितने भी हैं हमारी मुल्क के इसी के बारे में सोचे, हमारे बारे में एक ख्वाब ने देखे और वो दिन चले गए। हमारी सेना आज हमारे पूरे देश भर में आज खुशी का माहौल है। कारगिल दिवस जिसको आज पूरी जो है कंट्री जो मना रही है, साथ साथ मैं आपको बता दूं ये एक ऐसा दिन है जब हमारे वीर जवानों ने पाकिस्तान को शिकस्त देके जो टाइगर हिल है उस पर फतह किया था। कुछ ऐसे भी एरिया थे जो कि उस टाइम जो है पाकिस्तान ने कोशिश कर ली थी कि लद्दाख जो है उसको उस कब्जे में कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं जो जंग लड़ने के बाद, जंग जीतने के बाद 1999 में जितने भी टेरिटरी थे लद्दाख के, वो इंडिया आर्मी ने रिक्लेम कर लिया। मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो है खुशी का टाइम है, खुशी का आज दिन है। ये त्यौहार जो है, ये जो आज दिवस है, इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी जो है वो आज लद्दाख में भी उस चीज़ को हमारे जो वीर जवान हैं उनके साथ आज शाना बरशाना खड़े हैं। सुबह 6 बजे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब सुबह लद्दाख चले गए एंड लद्दाख में हमारे जो वीर जवान हैं उनके साथ उनका जो है हौसला है वो बढ़ाने के लिए वहाँ चले गए। और ऐसा पहली बार नहीं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो है वो लद्दाख चले गए। जब भी माननीय प्रधानमंत्री जी को मौका मिला अपने वीर जवानों के साथ स्पेंड करने के लिए, उनने अपना टाइम जो है अपने वीर जवानों के साथ स्पेंड कर लिया। ये वो टाइम है कारगिल विजय दिवस, मैं आपको याद दूँ, जिस टाइम हमारे 480 जो हमारे जवान है वो शहीद हुए थे। आज हम उनको भी नमन करते हैं, उनको याद करते हैं और उनकी फैमिलीज के साथ शाना बशाना हम खड़े हैं।